यहाँ मेहनत बराबर में चल रही है। चौदह पंद्रह न्यू लॉन्च बाइक है, पावर में तो बात करें बहुत खतरनाक थी, जैसे कि आपने देखा वीली पॉपअप हो गई थी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बिल्कुल न्यू बाइक NS 164V, और ये बाइक अभी जो बिल्कुल नई शोरूम से हम लोग बस लेके चले आ रहे हैं, और आप लोग को लखनऊ का पहला कंटेंट देने वाले कि NS 164V कैसी है। और देख सकते हो इधर वाल, इसका मीटर आप लोग, नेगेटिव डिस्प्ले है इसका, और 10,500 पर लिमिट आती है। देख सकते हो कितना खूबसूरत डिस्प्ले है। तो ये देखो 5 गियर स्पीड के साथ ये मीटर नया अपडेट आया है, और इसमें शॉक्स आ गए। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है पुराने वाले, उन्हें पता ऑयल कूल्ड इंजन आता है इसमें, और बाइक में जो टायर साइज़ है बिल्कुल 200cc NS वाले पड़े हैं, 100 SC 17 फ्रंट में और 130 70 70 रियर में। से बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज हम इन लोग का एक एक परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं अपाचे 4V के अगेंस्ट। ये भी BS6 बाइक है, और हम देखना चाहते हैं इन दोनों बाइक में सबसे बेस्ट बाइक परफॉर्मेंस में कौन सी है, और दोनों का पावर बहुत अच्छा है। वो भी देखो कम्यूटर बाइक बहुत बेस्ट है, ये भी बहुत बेस्ट बाइक है। तो मैंने सोचा इसका आज आप लोग को एक ड्रैग रेस कंपैरिजन देने वाले हैं, और देखते हैं बाइक कौन सी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। वैसे NS पर्सनली ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसकी LED लाइट्स देखो भाई कितनी प्यारी करती हैं पहले के मुकाबले। ये देख सकते हो लाइट, अभी सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो इस लोग आपको साफ नज़र नहीं आने वाली। ये देखो भाई लाइट, देखो भाई कितनी सेक्सी सी लाइट दी है, और उधर वाल भी LED सेटअप आता है, तो दोनों बाइक में LED सेटअप मिलता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी ड्रैग रेस परफॉर्मेंस टेस्ट, जिस चीज़ के लिए हम लोग का चैनल जाना जाता है ड्रैग रेस के लिए। हम लोग कोई रिव्यू तो करते नहीं, लेकिन बाइक का परफॉर्मेंस पोटेंशियल दिखाना वो हम लोग की जिम्मेदारी, आप लोग को दिखाएं। कृपया आप लोग ये सब चीज़ें मत ट्राई करें, और आई होप सेफ ड्राइव करिए। चलिए शुरू करते हैं। दो चार, ये देखो भाई ये मैं आ गया अपाची पे, और अपाचे 164V में देखो इसमें मोड्स भी मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहा है TVS लेकिन अपनी बाइकों पे एक हिसाब से। तो मैंने स्पोर्ट बुक में बाइक डाल दी है, और चलो NS के अगेंस्ट देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। तो 3 हॉर्न पे हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, 3 हॉर्न। लॉन्च हुई है भाई, ये एकदम खतरनाक अपाची 4V लगी हुई है बगल में, 4V आगे निकल रही है भाई। न्यू लॉन्च बाइक है, पावर में तो बात करें बहुत खतरनाक थी, जैसे कि आपने देखा वीली पॉपअप हो गई थी, और आगे ही 4V चल रही है। 4V काफी ज्यादा फास्ट है, और NS अभी बात करी जाए तो एकदम नई है, मीटर इसका हिट कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस में बात करें पिकअप आ रही थी बहुत अच्छा है। इसका हिट कर रहा है, अपाची वाला मौका दे रहा है भाई कि जाओ जाओ आगे जाओ। भाई 4V ने मौका दिया है, अब
माची फोर्डी को भेजिए, मतलब मौका देने के बाद फिर ज्यादा आगे निकल गई है भाई साहब। न्यू बाइक है ना इस वजह से, बाकी लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत तगड़ी चल रही है। तो 131 स्पीड लॉक हुई है देख सकते हो आप भाई। अपाचे का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंसेन है और एनएस को यूं ही खा जा रही है यार। इनिशियल में तो साथ साथ चली है, 100 तक के साथ साथ चली, 80 तक के, उसके बाद अपाचे अपने टॉप एंड में जादू दिखाने लगी, 131 तक गई है, टॉप एंड अचीव किया इस बाइक ने और काफ़ी बेहतरीन भाग रही यार। मैं क्या बताऊँ, अपाचे TVS बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अपनी बाइक पे, बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रही थी, मतलब परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी यार कहीं से भी बाइक में। और NS उधरवाल थोड़ी सी वीक पड़ रही थी टॉप एंड के मामले में, इनिशियल में तो साथ साथ चली। चलो जल्दी से अब सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और राइडर चेंज करने का वक्त आ गया है और मैं चला लूँगा इधरवाल NS 164V। टीम हॉर्न पे शुरू करते हैं ठीक है। अपाची निकल रही है आगे 75-77। भाई साहब NS बराबर में चल रही है, तो 14-15 भाई NS आगे अब निकली है। बहुत तगड़ी निकल गई, मोहब्बत से 125-26। लैला भागो लैला, भाग भाई बहुत मोहब्बत से भाग रहे, थोड़ी सी धीमे करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है भाई। अरे बाप रे बाप, कहीं है ही नहीं भाई। हाँ भाई क्या हुआ भाई, लिमिटर खा रही 9,500 RPM पे। 9,500 RPM पे खा रही है। हाँ 9,500 RPM पे बाइक लिमिटर खा रही है और देखो इनिशियल में वो तुम्हारे साथ साथ चली, जब ये लिमिटर तक पहुंच नहीं गई जब तक ये पीछे नहीं हुई। तो गाइस जैसे कि आपने देखा है कि जो रिजल्ट निकला और रिजल्ट आप लोग देख लिए, एकदम ब्रांड न्यू टायर पड़े, तो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा चिपक के बाइक चल रही है, एकदम सॉफ्ट टायर है इसके अंदर। और ये अपाची यार थोड़ा सा टॉप एंड में ज़्यादा अच्छा फील हो रही है, टॉप एंड में ज़्यादा है, ये इनिशियल में ज़्यादा है। और चलने में दोनों बाइक बहुत बेहतरीन है, दोनों बाइक की अलग अलग स्पेशलिटी है, इसकी ब्रेक बाइट बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे और जो इसका कंट्रोल्स है बहुत अच्छा है। दोनों अटेंड आपने देखा कि कैसा परफॉर्म किया दोनों बाइकों ने, तो थोड़ा सा भाई थोड़ा सा फास्ट है अपाचे, 5-6 की स्पीड मुश्किल से ज़्यादा होगी, बाकी परफॉर्मेंस में सेम है। बाकी देखो दोनों बाइक का अलग अलग मज़ा है, एक बजाज ब्रांड है, दोनों ही इंडियन ब्रांड है। टू फाइव आर है शायद ये, है हो सकती है, हो सकती है R3 से आयुष शर्मा कंपेयर कर रहा है। आयुष शर्मा नहीं है, आयुष शर्मा है देख लो, नहीं है। वीडियो का एंड करने टाइम आ गया, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आई होप ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको और भी ऐसे कंटेंट लाते लाके देता रहूं।